हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में इसको हम ट्रांसफरेंस नंबर या हिटॉप नंबर भी कहते हैं अब ये होता क्या है तो देखिए, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन माइग्रेट करते हैं और इस वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंडक्टिविटी शो करता है अब उस इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल कंडक्टिविटी है वो कैटाइन की मोबिलिटी और एनाइन की मोबिलिटी दोनों की वजह से होती हैं। अब इस टोटल करंट में से कैटाइन कितना करंट कैरी करता है या एनायन कितना करंट कैरी करता है तो उसी को हम उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरीड ईच आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर ये हो जाएगी इसकी एक और डेफिनेशन अब देखिए अगर कैटाइन की मोबिलिटी को हम यू प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और एनाइन की मोबिलिटी को हम यू माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके बेसिस पर हम कैटाइन और एनाइन के ट्रांसपोर्ट नंबर को डिफाइन कर सकते हैं देखिए पहले बात करते हैं कैटाइन के ट्रांसपोर्ट नंबर की इसको हम टी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा करंट कैरिड बाय द कैटाइन अपॉन टोटल करंट अब कैटाइन की मोबिलिटी को हम यू प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं

N और एनआईन के ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं अब देखिए अगर हम t प्लस और t माइनस का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है अब देखिए अगर हमारे पास किसी एक आयन की ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू होती है तो इस रिलेशनशिप की हेल्प से हम दूसरे आयन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं फिर बात करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए हम दो मेथड डिस्कस करेंगे पहला हो जाएगा हिट ऑफ मेथड और दूसरा हो जाएगा मूविंग बाउंड्री मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे